दोस्तों किसी भी गेमिंग पीसी में जितना ज़्यादा वैल्यू आप एक सीपीयू ग्राफिक कार्ड रैम को देते हैं उतना ही ज़्यादा वैल्यू आपको मॉनिटर को भी देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मेरे पास दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉनिटर हैं, एक 100 हर्ट्ज़ का है और एक 60 हर्ट्ज़ का है, और इन दोनों ही मॉनिटर को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर ले जा करके इसकी टेस्टिंग करेंगे कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है इन दोनों टाइप के मॉनिटर में। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग गेम प्ले वगैरह भी करके देखेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मॉनिटर में 100 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़, 75 हर्ट्ज़ ये सब चीज़ें क्या होती हैं इसको जानना जरूरी है। दोस्तों आजकल जब आप कोई स्मार्टफोन बाय करने जाते हैं तो वहाँ पर जब डिस्प्ले सेक्शन में जाएंगे तो आप सबसे ज़्यादा नोटिस करते हैं उसका रिफ्रेश रेट हाई होना चाहिए स्मूथनेस के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पर मॉनिटर में भी देखा जाता है, रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पर जो 100 हर्ट्ज़ का मॉनिटर है डेफिनेटली यहाँ पर आपको स्मूथनेस ज़्यादा मिलेगी, और जो 60 हर्ट्ज़ का मॉनिटर होता है इसमें आपको स्मूथनेस कम मिलेगी। 100 हर्ट्ज़ का मतलब ये हुआ कि 100 फ्रेम आपको यहाँ पर मिलते हैं 1 सेकंड के अंदर, और 60 हर्ट्ज़ का मतलब ये होगा कि 60 फ्रेम्स आपके स्क्रीन पर आते हैं 1 सेकंड के अंदर। दोनों मॉनिटर का कंपैरिजन करने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो पहला मॉनिटर है ये MSI ब्रांड का है, इसमें 100 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है और रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पर आपको 1 ms का मिल जाता है। और यहाँ पर जो सेकेंड मॉनिटर है ये HP ब्रांड का मॉनिटर है, 60 हर्ट्ज़ के साथ ये मॉनिटर वर्क करता है। रिस्पॉन्स टाइम की बात करते हैं तो जितने 60 हर्ट्ज़, 75 हर्ट्ज़ के मॉनिटर होते हैं वो 4 ms पर वर्क करते हैं, तो यहाँ पर इस मॉनिटर में भी 4 ms का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। अगर आप 120 हर्ट्ज़, 144, 165 हर्ट्ज़ तक जाएंगे तो यहाँ पर आपको 0.5 ms का और 0.1 ms तक का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस टाइप के मॉनिटर थोड़े से कॉस्टली होते हैं और इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। विजुअल कंपैरिजन के लिए यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं GTA 5 का। दोनों मॉनिटर में इस गेम को करते हैं प्ले 60 fps की सेटिंग पर। तो 60 fps की सेटिंग पर यहाँ पर गेम प्ले करने पर कुछ खास यहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, दोनों ही मॉनिटर में स्मूथनेस लगभग सेम ही देखने को मिलती है। अब अगर यहाँ पर fps को और इंक्रीज करते हैं और मैक्स सेटिंग पर करके इसको प्ले करते हैं तो 100 हर्ट्ज़ का जो ये मॉनिटर है यहाँ पर जो स्मूथनेस है वो डेफिनेटली 60 हर्ट्ज़ वाले मॉनिटर से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो लाइव गेम प्ले करने में जो यहाँ पर फील आ रहा है, मुझे मिल रहा है, वो हो सकता है आपको इस वीडियो के जरिए ना मिल पाए, क्योंकि 1 ms का मॉनिटर और 4 ms के मॉनिटर में उतना कुछ खास आपको इस वीडियो के जरिए डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। उसके लिए कुछ टेक्निकल टेस्टिंग भी आगे करेंगे तो हो सकता है वहाँ से आपको समझ में क्लियरली आए। तो अगर यहाँ पर दोनों ही मॉनिटर के फ्रेम रेट का कंपेयर करते हैं तो राइट साइड में आप यहाँ पर जो मॉनिटर देख रहे हैं ये 60 हर्ट्ज़ का मॉनिटर है और इसका आप स्मूथनेस देख सकते हैं 60 fps पर क्या है स्मूथनेस, और लेफ्ट साइड में जो मॉनिटर है ये 100 हर्ट्ज़ का मॉनिटर है तो 100 fps पे इसमें जो स्मूथनेस मिल रही है फ्रेम रेट की, दोनों मॉनिटर का आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं किस मॉनिटर में ज़्यादा स्मूथनेस मिलती है। अगली टेस्टिंग करने वाले हैं स्क्रॉलिंग टेस्ट की। तो स्क्रीन में अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो कैसा हमें दिखने वाला है, 60 fps पर यहाँ पर स्पीड देख सकते हैं, स्मूथनेस वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 हर्ट्ज़ वाले मॉनिटर में। सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पर आप 100 हर्ट्ज़ के मॉनिटर की स्मूथनेस देख सकते हैं, क्लियरली आपको यहाँ पर डिफरेंस पता चल रहा होगा। अगली टेस्टिंग यहाँ पर करते हैं मोशन ब्लर की। तो इसका इफेक्ट आपको ज़्यादातर गेम वगैरह में पता चलता है। तो इस टेस्टिंग में आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, एक यहाँ पर विदाउट मोशन ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक मूविंग पोजिशन में। दोनों ही ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। जो मूविंग पोजीशन में है इसका ब्लरनेस आपको पता चल रहा है, और इसका कंपेयर करते हैं अपने लेफ्ट साइड वाले स्क्रीन 100 हर्ट्ज वाले मॉनिटर से तो आपको यहाँ पर क्लियर डिफरेंस पता चल रहा होगा। तो अब अगली टेस्टिंग यहाँ पर करते हैं अपने मॉनिटर के रिस्पॉन्स टाइम की, मतलब कि इसको शॉर्ट फॉर्म में MPRT बोलते हैं। तो यहाँ पर 60 हर्ट्ज के मॉनिटर का आप रिस्पॉन्स टाइम का रिजल्ट देख सकते हैं, और सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पर लेफ्ट साइड में 100 हर्ट्ज़ के मॉनिटर का भी रिस्पॉन्स टाइम है। दोनों में आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं इनके स्मूथनेस में क्या आपको इफेक्ट या डिफरेंस वगैरह पता चल रहा होगा। कुछ यहाँ पर हाई क्वालिटी के वीडियो को प्ले करते हैं तो यहाँ से कलर्स का डिफरेंस क्लियरली पता चल रहा है। जो गेमिंग मॉनिटर है यहाँ पर जो आपको कलर मिल रहे हैं बिल्कुल ट्रू मिल रहे हैं, क्योंकि गेमिंग मॉनिटर जो होता है ये VA पैनल या फिर IPS पैनल बेस्ड होता है, लेकिन जो 60 हर्ट्ज़ के मॉनिटर होते हैं ये LCD बेस्ड होते हैं और इसमें जो आपको कलर्स मिलते हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं मिलते हैं, और इनका जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो भी बहुत ही सही होता है गेमिंग मॉनिटर में, लेकिन एक LCD मॉनिटर का जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, इस वजह से हमें जो ब्लैक कलर होता है वो उतना क्लियर नहीं दिखता है।
दोनों ही मॉनिटर में गेम प्ले करने पर जो गेमिंग एक्सपीरियंस मिला है, स्मूथनेस मुझे काफ़ी बेहतर मिलती है 100 हर्ट्ज़ के मॉनिटर में, बिल्कुल लैग फ्री रहता है गेम प्ले, और गेमिंग मोशन जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। रिस्पांस टाइम वो बिल्कुल क्विक और फास्ट मिलता है। गेमिंग में कोई भी टाइप की ब्लरनेस नहीं देखने को मिलती है ड्राइविंग के टाइम या फिर कोई एक्शन हो रहा है तब। और जो कैरेक्टर वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प भी दिखते हैं 60 हर्ट्ज़ वाले मॉनिटर से। तो एक गेमिंग मॉनिटर में आपको गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ अदर फीचर भी मिल जाते हैं। ज़्यादातर गेमिंग मॉनिटर में आपको एंटी फ्लिकर डिस्प्ले पैनल मिलता है, ब्लू रे प्रोटेक्शन के साथ ही मॉनिटर आते हैं, और इस टाइप के मॉनिटर में ब्राइटनेस लेवल काफ़ी ज़्यादा लो करने का ऑप्शन मिल जाता है, और कंट्रास्ट भी आपको यहाँ पर बेहतर मिलता है एक नॉर्मल मॉनिटर से, जिससे आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का डेप्थ काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है। अगर आप उतने ज़्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करते हैं, बस आप मेल वगैरह चेक करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो आप 60 हर्ट्ज़ का मॉनिटर ले सकते हैं, उतने ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रेश रेट वाले कई सारे मॉनिटर के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप 100 हर्ट्ज़ का भी ले सकते हैं, 120 हर्ट्ज़ का ले सकते हैं, 144 का ले लीजिए, चाहे 165 का ले लीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं, जैसा आपका बजट हो वैसा आप मॉनिटर यहाँ पर बाई कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आज की वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर दोस्तों।